हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। लीजिए, आज हम फिर हाजिर हैं एक और वीडियो के साथ, आलू डोनट्स के साथ आज हम फिर हाजिर हैं। तो चलिए देखते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसके लिए हमने लिया है 4 हरी मिर्चें। हरी मिर्चों में से हमने लाल मिर्च निकाल कर ली है। 1 बड़ी प्याज हमने बड़ी बड़ी चॉप की हुई है। थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा हरा धनिया लिया है। इसको हम थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। तो अब इसे हम इसके अंदर डाल के फटाफट क्रश करेंगे। उसके बाद आगे का प्रोसेस देखते हैं क्या करते हैं इसमें। तो चलिए इसको फटाफट कर लेते हैं। डाल दिया हमने सब कुछ और अब ये देखें, एक बार इसको हमने चलाया और इस तरीके से हमें तैयार मिल गया। तो चलिए इसको अब हम निकालते हैं और आगे अब हम आलू का काम करते हैं। ठीक, तो हमने आलू को बॉयल कर लिया है, इसका छिलका भी हमने हटा दिया है। अब इसे हम मैश करेंगे और मैश भी हमने कर लिया। अब एक अंडा इसके अंदर फटाफट जाएगा। ये गया हमारा एक अंडा इसके अंदर। और अब हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून नमक, और नमक के साथ ही हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून चाट मसाला, और 1/4 हमने इसमें डाला रेड चिली पाउडर, और इसी के साथ हम डालेंगे बाकी के सारे जो हमने ग्राइंड किए हुए हैं मसाले इनको। और अब इसको मिला लेते हैं फिर से थोड़ा सा सारे मसालों के साथ इसको मैश करेंगे। हाफ़ नींबू डाल रहे हैं इसके अंदर। चाट मसाला हमने पहले डाला हुआ है। अब इन सारी चीज़ों के साथ इनको मैश कर लेंगे फटाफट से। अब ये मैश हो गया और ये है ओट्स। 2 मुट्ठी हम इसके अंदर ओट्स मिला रहे हैं और इसको भी इसमें फटाफट से मैश करेंगे और फिर हम बढ़ेंगे आगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या होता है। हो गया ये। अब इसे हम सेव देंगे। हमने हाथ में अपने पानी लगाया, पानी लगा सकते हैं या तेल लगा सकते हैं ताकि हाथों में चिपके ना। और फटाफट से ये बिना चिपके बनकर तैयार हो गया। अब इसमें एक होल करेंगे। ये हो गया और अब इसको हम ओट्स पर रखेंगे। पहले हम इसके अंदर इसके ऊपर अंडा लगाएंगे, जो कि हमने पहले ही एक अंडा फोड़ कर रखा है। ये देखें, इसमें हमने किया इसको डिप और उसके बाद हमने सीधा डाल दिया इसे ओट्स में। इस तरह से हम इसमें ओट्स लगाएंगे और हाथ के सहारे से इसको थोड़ा सा हम प्रेस कर देंगे ताकि ओट्स अच्छी तरह से आलू में चिपक जाएं। ये देखें, फटाफट तैयार हो गया। इसी तरीके से हम सारे बनाकर तैयार कर लेंगे और तैयार करने के बाद इसको तल लेंगे। तो ये तैयार हो गया। थोड़ा हमने तैयार किया, बाकी का भी तैयार कर रहे हैं और साथ ही साथ हम इसको फ्राई भी कर ले रहे हैं। ऑयल हमने गरम कर लिया था और फ्लेम हमने फुल रखा है, क्योंकि आलू उबली हुई है तो आलू को गलाना नहीं है, इसलिए हमने फ्लेम फुल रखा है। तो ये देखें, ये फटाफट तैयार हो गया। दोस्तों, जाते जाते सब्सक्राइब की बटन देखते हुए जाइएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। लाइक भी करें, शेयर भी करें और बनाकर खाएं। देखें कैसे लगेगा, आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर अब चलते हैं, मिलते हैं फिर हम एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।